नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, और गोविंद आला रे मटकी संभाल ब्रिजबाला की गूंज पूरे देश के राधा कृष्ण मंदिरों में सुनने को मिला। वही राजनांदगांव में भी जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाई गई। नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, गोविंदा आला रे मटकी संभाल ब्रजवाला की गूंज पूरे देश में राधा कृष्ण मंदिरों में सुनने को मिली। वहीं गोविंदा मटकी फोड़ने भी पहुंच रहे थे। पूरे देश में जन्माष्टमी की धूम थी। वहीं राजनांदगांव में भी जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाई गई। राजनांदगांव वैष्णव राजाओं का गढ़ माना जाता है। यहाँ वैष्णव राजा राज करते थे। प्राचीन काल से ही यहाँ जन्माष्टमी मनाते हुए यहाँ के लोग आ रहे हैं। इसी कड़ी में लगभग 200 साल पुरानी राजा के महल में स्थित बलदेव राधा कृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी मनाया गया। साथ ही एक प्राचीन मंदिर जमातपारा मंदिर में भी 200 साल पुरानी मंदिर है। यहाँ अलग अलग राज्यों से पहुँचे साधु संतों का जमवाड़ा लगा हुआ था, इसलिए इसे जमात मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ भी प्राचीन काल से जन्माष्टमी मनाते आ रहे हैं और ये परंपरा आज भी चली आ रही है। यह मंदिर लगभग 250 साल पुराना मंदिर है। ये राजाओं के जमाने का मंदिर है। यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी 250-300 साल पहले राजा के जमाने से मनाते आ रहे हैं। आज भी यहाँ बड़े धूमधाम से, बड़े उत्सव से कृष्ण भगवान की जन्म उत्सव बहुत धूमधाम से मनाते हैं। ये जमात, इनको इस मंदिर को जमात मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये जमात मंदिर इसलिए इसको जमात मंदिर बोलते हैं क्योंकि साधु संत का मंदिर है। ये साधु संत निहंग अखाड़े का मंदिर है। यह निर्मोही अखाड़े का मंदिर है। पहले यहाँ साधु संत एक साथ कम से कम 50-60-70 ऐसे साधु संत एक साथ आते थे। इन्हीं एक जूट को जमात कहा जाता है, इसलिए इस मंदिर का नाम जमात मंदिर रखा गया है। छत्तीसगढ़ में या मतलब पूरे देश में जमात मंदिर बहुत जगह जगह है। प्रत्येक जन्माष्टमी का, राधाष्टमी का पर्व और गुरु पूर्णिमा का पर्व प्रत्येक वर्ष हम लोग मनाते हैं। 2005 से यहाँ पर मना रहे हैं। यह मंदिर राजाओं के द्वारा बनाया गया था और यहीं वो लोग पूजा करते थे महल के अंदर में। ये उनका राजा का ये महल है, महल था, बाद में इसको कॉलेज को दान किया गया है। राजनांदगांव से सूर्यकांत यादव की रिपोर्ट, ACN 24। और आगामी विधानसभा चुनाव में राजनांदगांव से